हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी दूसरी इकाई का लेसन नंबर 7 महिला आश्रम। अभी आप देख सकते हो इसके टफ वर्ड्स। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, परिच्छेद, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड पहले जो आपके जितने भी इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चन टफ वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है, सब कुछ दिया हुआ है सिंपल में। आश्रम के क्या नियम है वो बताना है और ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रश्न तैयार करना है इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जिनके आंसर ये दोनों आए। कारण लिखना है, देख सकते हो, परेशान महिलाओं को आश्रम से मिलने वाली सुविधाएँ। चलिए देखते हैं आंसर। आश्रम के नियम, आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको पता है। इसके बिना दाखिल होना असंभव। पूरी पहचान परिचय, आरंभ में इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। पढ़ाई और उद्योग, आंसर देख सकते हो उसका। अखबार में क्या नहीं दिया जाएगा, तो आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा था ना ये वाला, यही आंसर आया ना, अखबार में क्या नहीं दिया जाएगा, विज्ञापन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आश्रम में किस बात का आग्रह होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सादगी। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको बोला जाए ना कि इन वर्ड्स पे आपको क्वेश्चन बनाना है, तो ऐसे ही आपको बनाना है, बस क्वेश्चन बना दिया, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, कारण लिखिए, कारण लिखिए। तो यहाँ पे देखो कारण क्या दिया हुआ है, पूरा आंसर है। दूसरे का यहाँ पे कारण क्या लिखा हुआ है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 का, परेशान महिलाओं को आश्रम से मिलने वाली सुविधाएं, पहला यहाँ पे आंसर है, सेकंड का भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये इसका आंसर यहाँ पर है, इसका भी आंसर देख सकते हो आप, इसका तो आंसर मैंने बता दिया, ये रहा। और इसके बिना दाखिला होना असंभव है, दो आंसर लिखना था, दो आंसर लिखा है, इसमें भी दो आंसर इसके दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने आपको दोनों बता दिए, क्वेश्चन आंसर साथ में। आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था कैसा होना चाहिए, देखो सेकंड क्या है यहाँ पे, उत्तर लिखे, गरीब स्त्री की सिफारिश पर आश्रम में दाखिल कराने वाली स्त्री का खर्च ये देंगे, और ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है। अब यहाँ पे देखो विलोम शब्द लिखना है, पुरुष स्त्री, स्वतंत्र परतंत्र, गरीब अमीर, मान अमान, यही होगा, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण करना है, कृदंत शब्द और तद्धित शब्द। तो सादगी, पढ़ाई, परेशानी, उपयोगी, इसका आंसर देखते हैं अभी। अंग्रेज गद्यांश में उल्लिखित विदेशी शब्द, वो तो आप गद्यांश देखोगे तो उसमें आप ढूंढ ही लोगे। समानार्थी शब्द, समाचार पत्र का क्या आएगा और सहायता का क्या आएगा। तो देखो जो विलोम शब्द थे पहले तो उसका बता दिया जो मैंने बताया था, कृदंत एक ही आएगा, पढ़ाई, ठीक है। तद्धित शब्द में क्या आएगा, सादगी, परेशानी, उपयोगी, ये हो गया। होम नोटिस ये है, समाचार पत्र का समानार्थी, सहायता का समानार्थी। अब अपनी स्वमत व्यक्ति देनी है, तो आप देख सकते हो आंसर। और भी आंसर यहाँ पे है, उसी का है आंसर। अब यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ये क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप यहाँ पे पाओगे। ये देखो, वन आश्रम की महिलाओं को देंगी यह खुराक, संगीत की, भक्ति की और प्रेमयुक्त सलाह की, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आश्रम की आगामी योजना, तो यहाँ पे देखो दिया गया है,
ये वाला आंसर। लेखक को बहन के गुणों पर विश्वास है, गद्यांश में उल्लिखित फूलों के नाम। तो यहाँ पे देखो गुलदाउदी क्रिजेंथिमम, ये आंसर है। गुलदाउदी की क्या विशेषताएं हैं, चार विशेषताएं हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है। पंखुड़ी है, लिखते नहीं जम रहा है बट यहाँ पे मैं ट्राई करके मैंने लिख दिया है, खिलती, ठीक है, ये आंसर हो गया। अभी इसका देखो गद्यांश पे से प्राप्त पत्र का उद्देश्य, ये आंसर है। ये जो दिए गए हैं इनका वचन बदल कर लिखना है और लिंग पहचान कर लिखना है इन सबका। बहने, बहन, मैं, हम, ये सब आंसर देखो दिया गया है। स्वमत व्यक्ति यहाँ पे आश्रम की व्यवस्था के बारे में, तो देखो यहाँ पे दिया गया हमारे देश में एक तरह तरह के आश्रम है, इन आश्रमों का संचालन कुछ धर्मादा संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, यानी जो सरकार के द्वारा होता है वो दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बता रही, पढ़ के भी नहीं बता रही, एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, बट अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन आंसर पूरा एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगी आपको, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी में तो। जीनिया के साथ हुई के पौधों के साथ हुई घटना है, तो यहाँ पर देखो दिया गया आंसर। कारण लिखना है, उत्तर लिखना है, तो इन सबका क्वेश्चन दिया होगा तो हम देखते हैं अभी। ये रहा, ठीक है, ये आंसर है। दूसरा यहाँ पे देखो दिया गया है, प्रश्न बनाकर लिखना है जिसके उत्तर ये आए, जो एक दो महीने और गुलाब, एक दो शब्द का उत्तर लिखिए, आंसर देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो पूरा जितना दिया गया है, हम आंसर देखते हैं इसके। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आंसर। इन सब का आंसर ये है यहाँ पे। वापस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1, 2, 3 ये क्वेश्चंस हैं, 4, 5, तो इन सब के आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे अब यहाँ इसका क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, ये सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, तो गति, तो गति का क्या हो सकता है, सदगति भी हो सकता है, ठीक है, दुर्गति भी हो सकता है, शासन का प्रशासन हो सकता है, जय का विजय, पराजय, ठीक है, दिन का क्या हो सकता है, दिन का जैसे हो जाएगा शुभ दिन, शुभ दिन हो सकता है, या फिर देखते हैं यहाँ पे अभी दुर्दिन, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो गत से प्रगति भी हो सकता है, ओके, शासन से अनुशासन भी हो सकता है, जय से पराजय, विजय भी हो सकता है, तो ये सब अपने मंजिल से भी लगा सकते हो। उपसर्ग यानी स्टार्टिंग के वर्ड लगा के आपको, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लगा के आपको न्यू वर्ड बना देना है, प्रत्यय लगा के बनाना है, तो देखो यहाँ पे दिया गया नौकर, चतुर, तो चतुराई, सुंदर, सुंदरता, महानता,
ठीक है, नौकरी ऐसे हो सकता है। गद्यांश शब्द एक दो विदेशी शब्द ढूंढ कर लिखिए तो आप गद्यांश देखो तो समझ में आ जाएगा। और शुद्ध समूह के लिए शब्द लिखिए, 7 दिनों का समूह, 28, 29, 30, 31 दिनों का समूह। पर्यायवाची पत्र का क्या होगा, तारीख का क्या होगा, देखो नौकर का नौकरी ये सब जो मैंने बताया वही है यहाँ पे। चतुर का चतुरता तो नहीं, चतुराई ही सही है, चतुरता भी होता है कहीं कहीं पे, लेकिन सही वर्ड नहीं है, चतुराई एकदम सही है। ठीक है, क्रोटन तारीख, ये थर्ड का क्वेश्चन है जो विदेशी शब्द है। 7 दिनों का समूह, ये देखो दिया गया आंसर। स्वमत व्यक्ति यहाँ पे देखो दिया गया है। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए, इस संदर्भ में आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। क्या बोला गया, अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सशक्त माध्यम पत्र है। सशक्त यानी यहाँ पे क्या है कि सबसे स्ट्रांग मीडियम अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस को प्रभावी ढंग, इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाने का ये स्ट्रांग तरीका है। ये तो सही, ये तो इजी है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है बराबर सारी चीज़ें। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हो ये छोटे छोटे क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण और रहना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है यहाँ कहीं, तो किया गया इसका वाक्य में प्रयोग, सेंटेंस बनाना है उससे। अब यहाँ पे देखो जाओ, ये क्या है, मूल क्रिया मतलब सहायक क्रिया है, उसका मूल रूप क्या होता है, जाना। अब जाओ को तो हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक हो जाओ, ठीक है, और ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगी सब, लेकिन किस में आएगा, जाना ही होगा ना उसका मूल क्रिया। तो अब ये क्या है, होगा, होगी, होंगे, तो इसका मूल क्रिया क्या है, होना है, तो वो हमें लिखना है सहायक क्रिया और उसका मूल क्रिया क्या है। प्रथम प्रेरणा तक तो लिखना, लिखवाना, लिखवाना, ठीक है, लिखना लिखवाना ऐसे होगा। मिलना तो मिलवाना इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखो दिखाना लिखा है, मिलाना मिलवाना या लिखाना लिखवाना। मुहर्सन रह जाना यानी एकदम भौचक रह जाना, ठीक, यानी शॉक्ड हो जाना ऐसा। भार वहन करना यानी किसी चीज़ का भार उठाना, अब उसका यहाँ पे सेंटेंस में, ये वन मार्क्स के लिए सब आते हैं, आपको सारे ग्रामर वर्बल मार्क्स के आते हैं। काल परिवर्तन आपको ब्रैकेट में जो दिया गया इसमें करना है। सामान्य वर्तमान क्या होता है, ता है, ती है, लास्ट में आएगा, ओके। तो इसको आपको, ये किस में है, ये तो आपका भविष्य काल में होगा, सामान्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल में करना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ता है, ती है, ये सामान्य वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, रहा है, रही है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, गया है, गई है, ठीक है। इसी तरीके से अपूर्ण भूतकाल क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होता है रहा था रही थी, और पूर्ण भूतकाल हो जाएगा गया था गई थी, तो उसमें आपको चेंज कर देना है। भेद पहचानना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आंसर देख सकते हो। आज्ञावाचक है, तुम अपना ख्याल रखो, आज्ञा दे रहे हैं,
यहाँ सर्दी अच्छी है, मतलब ये आपको आज्ञावाचक में बनाना है। यहाँ पे किस में था, ये तो हम सुझाव दे रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे हम इसे आज्ञावाचक में दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। सर्दी अच्छी है, इसे प्रश्नवाचक में बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इसका। वाक्य शुद्धिकरण ये तो सिंपल है, दिया गया है, देख लो। जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाओ। तो मानव मानवता है दिया हुआ है, देख सकते हो। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, मुहावरा का अर्थ। ये मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन क्या बोला है मैं आपको बता देती हूँ। संदेश वहन, ठीक है, यानी संदेश को जो वहन करते हैं, यानी जैसे कि फ़ोन हुआ, व्हाट्सअप हुआ, मैसेज, जितने ऐसे कोई भी ऐप, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर संदेश वहन। ठीक है, तो संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि इस विषय पर 80 से 100 शब्द निबंध आपको लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, अब मैं ये समझ रही हूँ कि आपको हिंदी तो पढ़ने आता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड में हो, बहुत सारे बच्चों की हिंदी वीक होती है, बट पढ़ तो सकते ही हो आप। तो यहाँ पे टफ वर्ड्स तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये क्या है, SMS यानी टेक्स्ट मैसेज। और यहाँ पे क्या है, कठिन शब्द तो मुझे कुछ नहीं दिखा इसमें जो मैं आपको बता सकूं। ये कॉन्फ्रेंसिंग बोला गया, कॉन्फ्रेंस यानी समझ ही सकते हो आप। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हम लेटर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। विज्ञान, अपने मित्र सहेली को विज्ञान प्रदर्शनी में यानी साइंस एग्जीबिशन में उसको प्रथम पुरस्कार मिला है, इस उपलक्ष्य में बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, अभी आपको ये फॉर्मेट इसी तरीके से है, इसी साइड दोनों आपको लिखना है, सेंडर रिसीवर दोनों का ही इसी साइड लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया, लेखनी किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए, ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। हमारा जो ये वाला था लेटर वाला, ये इतना था। ये क्या है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए, स्वयंसेवी संस्था मासूम, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो। कोई डाउट है आप पूछ लेना, कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बता देना, मिल जाएगा आपको वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगता है, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए लाइक सब्सक्राइब करके। ओके, कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बन जाएगा आपके लिए सारे वीडियोज़।